हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में अहल्या। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्विक स्नैक्स लेके आई हूँ। आज मैंने पनीर फिंगर बनाया है। इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, तो चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ मैंने पनीर को ऐसे फिंगर शेप में काट के रखा था। पहले हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हम हाफ टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें, और यहाँ पर काली मिर्च थोड़ा डाल देंगे। यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून काली मिर्च लिया है। अब इस सब को मिला देंगे अच्छे तरह से। यहाँ हमने मसाला का एक पाउडर बना दिया है। अब यहाँ हम पनीर को इस पाउडर में कोट करेंगे। तो इस तरह हमें सभी पनीर को कोट करना है। इसके बाद थोड़ा सा विनेगर लेंगे और पनीर के ऊपर ऐसे थोड़ा सा विनेगर हम लगा देंगे पहले। तो चारों तरफ से हम पनीर को विनेगर से कोट करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा सोया सॉस लिया मैंने, सोया सॉस का भी एक कोट बना देंगे पनीर में। हाँ, हमारा पनीर की कोटिंग हो गई है। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 3 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और 2 से 3 पिंच यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक मिक्सर बना देंगे हम। तो यहाँ हमारा सेकेंड कोटिंग भी तैयार हो चुका है। अब हम ब्रेड क्रम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 ब्रेड को ग्राइंड कर दिया है और इसका एक पाउडर बना दिया हमने। अब हम एक पनीर को लेंगे, उसको मैदे में डीप करेंगे। अब इसको ब्रेड क्रम लगा देंगे चारों तरफ से। तो इसी प्रकार हमने सारे पनीर को अच्छे से कोट करना है। यहाँ हमने सारे पनीर की कोटिंग बना दिया है। अभी कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पनीर को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी 4 पनीर को फ्राई कर रही हूँ। इसको हम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कीजिए। अब इसको पलट लेंगे हम, इसके दूसरे साइड को भी फ्राई करेंगे। देखिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे हम। प्रोसेस से हम बाकी की पनीर को भी फ्राई कर देंगे।
तो हमारा पनीर फिंगर जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए ये दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।